चेहरे पे गड्ढे साथियों वह समस्या है जो हमें किसी भी तरह का मेकअप लगाने से, वक्त को, इस शरीर को, इस चेहरे को कभी तो ज़रूरत होती है मेकअप करने की, लेकिन चेहरे पे जो गड्ढे होते हैं या कभी मेकअप का मज़ा नहीं आने देते, मेकअप का आनंद नहीं आने देते, मेकअप में खर्च करे गए पैसे का कॉन्फिडेंस नहीं आने देते। तो हम उसी समस्या को, आपके चेहरे के गड्ढे को वक्ती तौर पे भरने के लिए एक उपाय लेकर आए हैं जो बहुत कारगर है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक केस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे, जो बात सही हो या ना हो लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके चेहरे पे गड्ढे हैं और आपको चेहरा फ्लॉलेस चाहिए। मान लो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप अप्लाई करना है या मेकअप नहीं भी अप्लाई करना है तो चेहरे के गड्ढे कुछ ऐसे भर जाएं कि चेहरा चिकना लगने लगे। तो आज आपकी इसी समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करी जाएगी उस व्यवस्था से जो आपके घर पे मौजूद रहती है, उन घरेलू नुस्खों से जो आपके घर पे मौजूद रहते हैं और यह आपके लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। उसी में से साथियों हम एक नुस्खा लेकर आए हैं जो आपके चेहरे के गड्ढों को इस समाज की नज़र में आने से बचाएगा, क्योंकि इंसान की जब नज़रें जाती हैं तो सबसे पहले चेहरे पे जाती हैं, और चेहरे पे जब नज़रें जाती हैं तो चेहरे पे अगर गड्ढे होते हैं तो उससे इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ साथियों, मैं इन बातों का महत्व नहीं समझता कि साफ आदमी का चेहरा कैसा है, सूरत कैसी, सीरत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समाज की जो मांग है, जितना हम लोग और एजुकेटेड होते जा रहे हैं, एजुकेशन तो बहुत होती जा रही है, लेकिन हमारे जो ब्रेन का डिग्रेडेशन है, दिमाग का जो डिग्रेडेशन है, वह हमें बाध्य कर रहा है उसी तरफ ले जाने के लिए जिस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अब कोई इंसान है, आपको उससे जब वो बातचीत करे तो उससे आपको असेस करना चाहिए, साहब वो कैसा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन क्या होता है, आप भी जाती होंगी समाज में या जाते होंगे, हम भी जाते हैं, चेहरे से आदमी असेस कर लेता है साहब ये कैसा होगा। आप एक शब्द ना बोलिए, उसमें कुछ समझदार लोग होते हैं जो चेहरा देख के वास्तविक चीज़ जान जाते हैं, लेकिन 95% लोग ऐसे ही तमाशबीन लोग होते हैं जो चेहरे पे को देख के ही आपका एक चेहरे की दिखावट को देख के आकलन कर लेते हैं। तो साथियों, रहना इसी समाज में है, इन्हीं बुराइयों के बीच रहना है, तो कहीं ना कहीं इस समाज को साथ लेके चलना भी एक आप मजबूरी कह लीजिए या आप एक जिम्मेदारी कह लीजिए। आज हम आपको साथियों बताएंगे ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे जो आपकी इन मजबूरियों को, जिम्मेदारियों को कम करने में मदद करेंगे। ऐसा फेस प्राइमर जो आप चेहरे पे लगा के चेहरे के गड्ढों को काफ़ी हद तक भर सकते हैं, ताकि जब आप मेकअप लगाएं या कुछ करें तो वो गड्ढे आपके उतने ज़्यादा प्रतीत ना हों, उतने ज़्यादा ना दिखें। तो चलते हैं साथियों उस खूबसूरत सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं चेहरे के गड्ढे दूर करने का एक बहुत कारगर और अच्छा घरेलू नुस्खा। आप एक एलोवेरा की पत्ती लीजिए, उसको आप ऊपर से, उसके ऊपर वाली स्किन को जब निकालेंगे एलोवेरा पत्ती की, तो नीचे आपको जेल मिलेगा, चिपचिपा ऐसा पदार्थ मिलेगा, उसको आप ले लीजिए, उसको आप एक चाकू से स्क्रैच कर लीजिए तो वह आपका जेल निकल आएगा। उस जेल में मान लीजिए 2 चम्मच जेल निकल आया, उस जेल में आप 1/2 चम्मच बादाम का तेल यानी आलमंड ऑयल डाल लीजिए, बादाम का तेल उसमें डाल लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सेमी डाइल्यूटेड फॉर्म में वो हो जाएगा, उसको आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए। चेहरे पे लगा के आप उसको थोड़ी देर ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए।
सूखने के बाद आप किसी ब्रश से या किसी कपड़े से, थोड़ा सा उसको सूखे कपड़े से, उसको हल्का सा चेहरे को रगड़ लीजिए। तो जहाँ जहाँ आपका एलोवेरा जेल और वो लगा, जहाँ स्किन आपकी एक जैसी है, वहाँ पे वहाँ पूरा निकल जाएगा। और जहाँ पर आपके गड्ढे या जहाँ पर आपके थोड़ा सा जिसे कहते हैं पैचेस टाइप हैं गड्ढे के, उस पर वह चिपक जाएगा और उस पिट को, उस कैविटी को फिल कर देगा। तो आपका चेहरा उस समय के लिए फ्लॉलेस हो जाएगा, गड्ढा रहित हो जाएगा। और आपके अगर लार्ज पोर्स हैं चेहरे पे, उसको भी वो बंद करके उसको वो एक जैसा चेहरा कर देगा। उसके ऊपर आप जो चाहें, जो आप लगाती हों अपना मेकअप का, वो आप लगाएं। और फिर आप कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस से आप जो है वह समाज के बीच जा सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है साथियों, शायद आलमंड ऑयल आपका एक बोतल में घर पे कहीं ना कहीं बादाम का तेल रहता ही है बहुत घरों में, जहाँ नहीं रहता अब वो आगे से रखेंगे। और एलोवेरा की पत्ती आपको कहीं मिल जाती है, एक गमले में आप 20 रुपए का पौधा ले आइए, लगा दीजिए, एलोवेरा उग जाएगा। उसके लिए कोई केयर भी आपको ना चाहिए, तो इस पौधे को लगा लीजिए, इस सिस्टम को लगा लीजिए, और इससे आप अपने चेहरे पे फेस प्राइमर पा सकते हैं, जो वक्ती तौर पे, परमानेंट तो नहीं, वक्ती तौर पे आपको राहत देकर आपकी व्यवस्था को रुकने नहीं देगा, आगे के काम को रुकने नहीं देगा। और ओवरऑल भी ये गड्ढों को दूर करने में आपको लाभ देगा। और हम आपको साथियों बताते हैं कि ऐसा क्यों होगा। साथियों, यह नुस्खा आपके इसलिए काम करेगा क्योंकि जो एलोवेरा होता है साथियों, एलोवेरा की पत्ती का जो जेल होता है, उसमें मैंगनीज और सिलीनियम पाया जाता है। यह मैंगनीज और सिलीनियम जब आप पत्ती का जेल निकालते हैं और इस जेल को जब आप मिक्स करते हैं आलमंड ऑयल के साथ, जो एलोवेरा का जेल होता है, यह ग्लूटाथायोन परोक्सीडेज नाम का कंपाउंड बना लेता है। यही ग्लूटाथायोन साथियों आपके इन ब्लॉक्स को भरेगा चेहरे के और स्किन को फ्लॉलेस बनाएगा। उसके अलावा साथियों, आलमंड ऑयल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और पॉलीसैचुरेटेड एसिड्स पाए जाते हैं, यानी कि मूफा और पूफा, यह दोनों पाए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो यह सब आपकी स्किन को भी नरिश करेंगे, स्किन को सॉफ्ट रखेंगे और चेहरे के गड्ढों को भर के आपके मेकअप में आपकी मदद करेंगे। यह बढ़िया सा फेस प्राइमर था साथियों, इसको आप लगाइएगा चेहरे पे, कॉन्फिडेंस के साथ इस समाज में निकलिएगा और हमको बताइएगा कमेंट पोर्शन में लिखकर कि आपको इस नुस्खे ने लाभ दिया कि नहीं दिया। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।